तो आज हम और अपने एक पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा ये रहा पाकिस्तान का मैप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान, जिसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंध है, ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पाकिस्तान का पंजाब है, जो इसमें यहाँ पे लाहौर है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये इस्लामाबाद है, जो कि यहाँ का कैपिटल है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। वहाँ का अभी प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि उर्दू है। टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है 8,000 कितना है, 881,913 किलोमीटर स्क्वायर। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। और डोमिनियन तो ये इंडिया से ही अलग हुआ था, जो कि आपको पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं लग रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन फिर भी जानकारी चाहिए, जो 14 अगस्त 1947 को भारत से होकर एक अपना देश बना था पाकिस्तान, ठीक है। जो इंडियन स्टेट है जो शेयर करते हैं बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, उसमें जम्मू और कश्मीर है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको टू टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए इसके बाद आप जानते हैं, देखिए ये जो पाकिस्तान है इसके जस्ट बगल में ये अफगानिस्तान जो आपको देख रहा होगा, ये पोर्शन, ठीक है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो भारत से पाकिस्तान को अलग किया, तो उसको बांटने के लिए कौन सा रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है उसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को जो बॉर्डर क्रॉस करता है, ठीक है, बांटता है, उसको क्या बढ़ाता है, तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाला लाइन क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है और जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, जब हम भारत में रहने वाले हैं। तो 2019 में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर अब तक एक स्पेशल राज्य था, जिसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 377 के तहत, ठीक है, जो कि हटा दिया गया है। कब देखिए 2019 में सबसे पहले एक बिल पास किया गया, बिल फॉर द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय द होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर हमारे से अमित शाह जी थे, उन्होंने एक बिल पास किया 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2020 को किया गया, और इसको फिर जो राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को, फिर ये पास हुआ लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को। जब ये दोनों पास हो गए लोकसभा राज्यसभा, तो फिर प्रेसिडेंट के पास गया ये बिल कब, 9 अगस्त 2019 को। और अभी जो इम्प्लीमेंट हो गया है, इफेक्टिव में आ गया कब, 31 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विशेष राज्य का दर्जा कब खत्म कर दिया गया और कब जाकर ये आपका जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे या SSC में पूछा जा सकता है, अभी रेलवे का एग्जाम भी उसमें जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये रहा पाकिस्तान का कुछ जानकारी। हाँ, उसके फ्लैग में दो कलर होते हैं, एक ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, इस टाइप का फ्लैग रहता है उसका, पाकिस्तान का ऐसे चांद बना रहता है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये पूरा पार्क ग्रीन से फिल होता है और ये चांद तारा बने रहते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी पाकिस्तान के बारे में, जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है, बेसिकली बॉर्डर पूछ सकता है, या फिर कौन से राज्य स्टेट टच कर रहे हैं वो पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा दूरी तक जो बॉर्डर शेयर करता है वो जम्मू कश्मीर, जो कि पता ही था आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ पोर्शन की तरफ, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं मैथ पोर्शन, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको बताएंगे अभी, ठीक है। इसमें देखिए एक फॉर्मेट दिया है, जिसका करना है ए इंटू सी फर्स्ट में, फिर बी इंटू डी सेकेंड में, बी इंटू सी थर्ड में, फिर ए इंटू डी फोर्थ में। आइए क्वेश्चन समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आए, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 25 × 24, तो उसमें क्या करना है, देखिए पहले जो लेफ्ट वाला ले रहे हैं, लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4, ये यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक गैप छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5 × 4 = 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे यहाँ बताया गया है 5 × 4 = 20, 20 का 0 2 कैरी बच गया, इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले को क्या करना है, 5 × 2 = 10, नीचे वाले को ये करना है, तो ये 10 × 2 = 4 = 8, ठीक है, 8 टोटल जोड़ लेना, 18 हो गया, और 2 यहाँ जो कैरी बचा था उसको भी जोड़ लेना, 18 × 2 = 20 हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 1 × 2 20 का यहाँ 0, ये 2 हट जाएगा, फिर इसमें 2 बच गया, तो जो 2 बचा है इसको जोड़ लेना है, ठीक है, 0 × 0 = 4 × 6 = 600, ठीक है। चलिए मिला लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 36 × 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर पता है पहले क्या करना है, a × c, यानी कि ये वाला 3 × 4 कितना होगा,
ट्वेल्थ इसको कंप्लीट लिखना है, ठीक, ट्वेल्थ कंप्लीट लिखना है, और इसको 6 × 0 तो ये 0, यहाँ ये छोड़ देना जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला 6 × 4 कितना आ जाएगा 24, 3 × 0 तो 0, यानी कि 24 ही आ जाएगा। 24 का क्या हो गया, यहाँ 4 लिख जाएगा, बस गया कितना 2, इसको 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 1440, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का 2 डिजिट मल्टीपल ट्रिक, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिक लेकर फिर से मिलेंगे आपसे, ठीक है। जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, धन्यवाद।